लटेरी के रामपुर गांव से लापता नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजन ने घर से बहला फुसला कर भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमालपुरा के गोविंद गुर्जर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जानकारी मिली है कि नाबालिग 20 जनवरी से लापता है। परिजन का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर नहीं रही। अब इस मामले में एसपी को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया। बच्ची जो किडनैप करके ले गए वो लोग, इसमें 1.5 महीने के लगभग हो गया। आज तक पुलिस ने कोई भी उसका मुलजम पकड़ के नहीं लाए। 2-3 मुलजमों को लाए, पुलिस ने ला के छोड़ दिया। कितने लोगों के आपने मामला दर्ज कराया? मामला दर्ज तो एक लोग के नाम है, लेकिन लिख के मैंने रूप सिंह के नाम भी दिया था। बाद में पुलिस ने मांगा कि इसको मुलजिम बनाओ। ये 1.5 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई। मुझे ये शक है साहब लड़की जिंदी है या ख़त्म हो गई, मुझे अब कोई पता नहीं है इसका। मैंने एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, विधायक साहब के यहाँ भी दिया, यहाँ भी बार बार मैं लटेरी थाने रोज आता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। इसमें 363 कैमरे लड़की नाबालिग है और उसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश स्तर पे अभी ऑपरेशन मुस्कान भी चल रहा है, तो उसमें करीबन 1-1.5 महीना हो गया है। तो कम से कम 8 से 10 बार उसके जो भी संदेही है, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, सब जगह जाके पतारसी चल रही है। लड़का और लड़की के पास कोई मोबाइल नंबर है नहीं, तो जितने भी कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, जिन पे भी शक है, उन सबकी कॉल डिटेल निकाल कर अभी भी टीम तेजी से वहीं रवाना हुई है और अभी भी